अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि 108 रुपए का टारगेट दे सकता है और थंबनेल के ऊपर भी हमने ये चीज लिखी है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 108 रुपए का टारगेट आखिर आएगा क्या, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी जब ये 108 रुपए तक पहुंचेगा, और क्या ये जल्दी से पहुंचेगा या फिर समय लेगा। ध्यान से चीजों को समझना, ए टू जेड आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि कब ये टारगेट आएगा और किस तरह से आएगा, किस बेसिस पे आएगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप वोडाफोन की फंडामेंटल स्थिति को समझना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो आपको बता दूं ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फंडामेंटली कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि ये कंपनी काम कर रही है और दूसरा रेवेन्यू बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखना, कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़े लेवल पे है, कोई छोटे लेवल पे नहीं है, और दूसरा कंपनी जानी मानी है, आप लोगों के सामने है और काम कर रही है, और जो कंपनी काम कर रही है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट में नहीं भी है ना, ध्यान रखना किसी भी समय अगर इसने अपने आप को अच्छा मेंटेन कर लिया, अपने एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल कर लिया, तो ये एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। अभी के हिसाब से नेट प्रॉफिट देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कंपनी झेल रही है, बट कंपनी काम कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें रेवेन्यू और कंपनी काम करने के अलावा और कोई भी अच्छी बात नहीं है एज पर फंडामेंटल। लोन बुक को थोड़ा खत्म कर रहे हैं, लेकिन वहीं इक्विटी आपको पता है बेच बेच के चीजें चल रही है, ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के पास खुद अभी भी 48.91 की शेयर होल्डिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी बेच भी सकती थी, बेच के निकल भी सकती थी अभी, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्टेक प्रमोटर के पास है, तो ये भी एक उम्मीद कहीं ना कहीं आपको जगाता है। FIs की बात करें तो ये भी थोड़ा ही सही, बट कहीं ना कहीं 2% के करीब करीब आप कह सकते हैं मेंटेन करते हैं। DIs आपको पता है पीछे जब हुआ था तो ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी 34% के करीब है। पब्लिक की बात करें तो 14% के करीब है, तो जाने कि इसमें पैसा अभी भी बिग प्लेयर्स का लगा है, तो ये बात ध्यान रखना, इसमें मोटा पैसा, बड़ा जहाज अभी भी बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे क्या बात करनी है, चलिए अब हम सीधा आएंगे कहां पे, इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। उसके पहले एक चीज और बता दूं, म्यूचुअल फंड्स भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, अभी भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, कहीं नेगेटिव है तो कहीं प्लस है, तो ध्यान रखना म्यूचुअल फंड्स भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो भी इसके अंदर बने हुए हैं 2% की होल्डिंग के साथ। अब मैं आपको सीधा आऊंगा टेक्निकल बेसिस पे। एज पर टेक्निकल बेसिस अभी जिस लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है, बहुत एक अच्छा पैटर्न है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सिर्फ इस जगह पे, क्योंकि मंथली बेसिस पे कहीं ना कहीं ये बीबी ब्लास्ट हुआ है और कोशिश कर रहा है अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आने की। आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और वो ड्रॉ करेंगे आप वीकली बेसिस पे, ध्यान रखना 1 वीक के बेसिस पे ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी। 19 फरवरी 2024 की जो कैंडल है उसके साथ जोड़िए, और उसके बाद उसको जोड़िए 22 अप्रैल 2024 के साथ, तो आपकी ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। इसी के साथ ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस यहां पे जरूर मार्क कर लीजिएगा, जो कि 14.60 रुपए या 65 पैसे का होगा। तो अगर वीकली बेसिस इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो ध्यान रखिए पहला टारगेट 22.70 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस हम यही लेके चलेंगे नियर अराउंड जो है, लेकिन स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना पैसा लगाना है जितना जाने का गम ना हो। ध्यान रखना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, फेल भी हो सकती है, नीचे भी आ सकती है, तो उतना पैसा लगाइए जिसका घबराने का डर ना हो। 22.70 रुपए के ऊपर अगर निकला तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 60.85 रुपए, और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर गया तो 84-108 जाने की पूरी उम्मीद रखता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी क्या करें, अभी के हिसाब से ये एक अच्छे लेवल पे है 12.05 रुपए। नीचे की तरफ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है और ये कोशिश कर रहा है वहीं पे जाने की। आई बिलीव दैट अगर ये नीचे 12.05 रुपए के आता है और फिर जाके ऊपर की तरफ निकले और ये वाला 14 रुपए
₹14.65 को क्रॉस कर दिया। ध्यान रखना नीचे की तरफ 12 के जाना चाहिए और दोबारा 14.65 के ऊपर निकले तो एकदम से बाइंग करनी चाहिए, आपको बड़ी तेजी के साथ ये अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। और ध्यान रखना कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, तो किसी दिन भी अगर कंपनी ने थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा दिया ना तो ये रॉकेट बनते हुए टाइम नहीं लेगा, कम से कम भी डबल होगा, यहां से डबल ट्रिपल होने की पूरी क्षमता रखेगा अगर इसने थोड़ा सा भी प्रॉफिट आने वाले समय में दिखा दिया। बट वो होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट एज पर टेक्निकल लेवल ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप ₹14.65 को मार्क कर लीजिए। बाकी ₹12 का भी लेवल अच्छा है, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो यहां पे जरूर एवरेज कर लीजिए अगर आप ऊपर की तरफ यहां कहीं इसमें फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन है, यहां पे आए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है अभी आपको ये ट्रैप करें, यहां पर थोड़ा सा ऊपर दिखा के नीचे आ जाए तो आई बिलीव दैट या तो इस ट्रेंड लाइन के पीछे मिले या फिर ₹12 के नीचे मिले या फिर ₹8.40 मिले तो वहां पर एक डिसीजन लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा ₹1 मैं कहूंगा यहां से महंगा जरूर है, तो महंगे के बजाय हमें वेट करना चाहिए ₹14.65 के ऊपर निकले तो वहां हम इसे खरीदने की कोशिश करें। और अपना स्टॉप लॉस मैक्सिमम हमें ज्यादा से ज्यादा ये एरिया लगाना है या फिर 20 SMA, क्योंकि 20 SMA के ऊपर निकला तो ऊपर वाला बीबी आपका हिट होगा ही होगा। तो अगर ₹14.65 के ऊपर लोगे भी तो बिल्कुल छोटा सा ₹13.60 सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस डाल के हम इसमें हीरो जीरो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों एज पर टेक्निकल लेवल अगर और भी कुछ निकलेगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी ₹108 का लेवल आप लोगों का तभी आएगा जब ये एक एक करके जैसे ये ₹22.70 के ऊपर एक दो महीना सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली फिर ये रेडी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से शूटअप यहां आ जाए और यहां पे सस्टेन करे तो आप बोले यहां बाइंग नहीं। अगर यहां आ भी जाता है तो ऐसा ऐसा करके यहां आए, यहां से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकले तब हम बाइंग करेंगे। और ये जो टारगेट्स हैं ध्यान रखना अगर कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करती है तो बड़ी जल्दी आएंगे, अदरवाइज टेक्निकल बेसिस पे ये टाइम लेगा क्योंकि जब भी एक लेवल को क्रॉस करेगा इसे सस्टेन करना होगा, जैसे कि यहां पर अभी सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलेगा तो आपको ये टारगेट है। अभी के हिसाब से इसका ₹22.70 का भी टारगेट निकल रहा है, उस हिसाब से आप ₹8.40 का या तो स्टॉप लॉस लीजिए या तो आप एवरेज भी यहां पे कर सकते हैं, ₹12 के पास भी आप एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ फिर इसको ₹60.85 का पड़ाव पार करना होगा, यहां सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, फिर जाके आप लोगों के ऐसा ऐसा करके ये टारगेट्स आएंगे। होप सो आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। कभी भी एक स्टॉक में कभी भी फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कम से कम अपने 10 से 12 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए ताकि अगर एक नहीं भी चले तो दूसरा आपको सपोर्ट करे। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए क्योंकि रिस्क आप